अगर हम दीपिका पादुकोण का नाम लें तो आपके दिमाग में उनकी कौन सी फिल्में आती हैं? ओम शांति ओम, बचना है हसीनो या फिर हाउसफुल। मगर चांदनी चौक टू चाइना, क्या इस नाम से आप दीपिका को जोड़ पाते हैं? जरूर जोड़ पाते होंगे, मगर जरा मुश्किल से। ठीक वैसे ही जैसे मुश्किल से दीपिका कनेक्ट हो पाती हैं इस फिल्म के साथ। क्यों? इसके पीछे है एक मजेदार किस्सा। एक ब्यूटीफुल आफ्टरनून में दीपिका अपना एक शूट खत्म कर रिलैक्स कर रही थी, तभी उनके पास एक ऑटो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और दीपिका को उनके साथ फोटो खिंचवाने को कहा। दीपिका को ये कहा कि मेरे बच्चे आपके बड़े फैन हैं और इन्होंने आपकी चांदनी चौक टू चाइना कई बार देखी है। बस इतना सुनना था कि दीपिका हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि इस पर रिएक्ट कैसे करें। कुछ कमाल की फिल्में करने के बाद भी चांदनी चौक के ही फैन मिलने पर खुशी जताएं या अफसोस, ये समझना है दीपिका को। वेल, दीपिका अम्यूज तो जरूर हुई मगर अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया था और इसके बाद उन्होंने जाकर उन बच्चों के साथ तस्वीर भी खिंचा ली। वेल, दीपिका आप चाहे जो भी सोच रही हो मगर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली चांदनी चौक टू चाइना के भी फैंस मिलना अपने आप में ही साबित कर जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह की है।